तो इस क्वेश्चन में अपन लोगों को इस इक्वेशन का रूट कैलकुलेट करना है, इस इक्वेशन का रूट कैलकुलेट करना है, पर कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड का यूज करना है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है उसको 1 बनाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, अपन 3 का डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 3x² / 3 -17/3x - 20/3 = 0/3। पूरी इक्वेशन में 3 का डिवाइड कर दिया। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो नई इक्वेशन आएगी वो होगी x² - 17/3x - 20/3 = 0। अब क्या करेंगे अपन, अब जो x का कोफिशियंट है उसको आधा करेंगे। तो 17/3 का आधा कितना होगा, 17/3 को अगर अपन आधा करते हैं, आधा इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 17/6। अब अपन इसी का इसके स्क्वायर को प्लस करेंगे और इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x² - 17/3x + 17/6 का होल स्क्वायर - 17/6 का होल स्क्वायर - 20/3 = 0। देखो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पूरी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपन इसको यहाँ लिख सकते हैं। अब ये देखो, ये हो गया x² - देखो अभी ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x² - 2 × 17/6 × x और +17/6 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जब अपन इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 289/36 - 20/3 = 0। ठीक है, अब ये देखो क्या बन गया, ये यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी। इतने को देखना है अपन को, 1 मिनट, इतने को सिर्फ, अगर जब अपन इतने को देखेंगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी x - 17/6 के होल स्क्वायर की। ठीक है, और बाकी दोनों को अपन आरएचएस में लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा 289/36 - और यहाँ पे हो जाएगा 240/36। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे अगर अपन दोनों साइड 12 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा 240/36। अब ये क्या बनेगा, अब ये बनेगा x - 17/6 का होल स्क्वायर। इसको 1 मिनट, ये भी तो नेगेटिव का, यहाँ पे आके ये पॉजिटिव का हो जाएगा, नेगेटिव का नहीं रहेगा, तो ये बचेगा 529/36। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये स्क्वायर को अपन रूट में भेजेंगे, तो ये हो जाएगा x - 17/6 = √529/36। अब ये जो अंडर रूट है वो प्लस के साथ भी ओपन होगा और माइनस के साथ भी ओपन होगा, तो यहाँ पे ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा x - 17/6 = 23/6 और एक हो जाएगा x - 17/6 = -23/6। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी, x = 23/6 +17/6 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -23/6 +17/6। यहाँ पे जब अपन इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -6/-6, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से एक x की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ पे जब अपन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 0 यहाँ आ जाएगा, 40/6, जब अपन इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 20/3। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई, 20/3 और एक -1।